नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। लॉकडाउन लगे होने के बाद भी लुटेरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। लुटेरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन ही किसी न किसी वारदात को अंजाम देते रहते हैं। आज देर शाम गुरुदासपुर के अमृत जम्मू नेशनल हाईवे पर बने मंचीज होटल के बाहर खड़े एक नौजवान गुरप्रीत सिंह से तीन नौजवान पिस्तौल की नोक पर वरना गाड़ी छीन कर फरार हो गए और नौजवान की टांग पर गोली मार उसको जख्मी कर लुटेरों ने जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया है वहां से कुछ ही दूर पर पुलिस चौकी बनी हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी देते पीड़ित नौजवान के दोस्त नई ने बताया कि वह होटल के बाहर वरना गाड़ी लगाकर कर वेटर की उटीक कर रहा था। इतने में तीन नौजवान मोटरसाइकिल पर आए और गाड़ी की चाबी मांगने लगे। जब गुरप्रीत ने मना किया तो उन्होंने पिस्तौल निकाल उसकी टांग पर गोली मार दी और अपने मोटरसाइकिल समेत जम्मू की तरफ फरार हो गए। उनका कहना है कि लुटेरे इतने बेखौफ थे कि उन्होंने साथ लगती पुलिस चौकी की परवाह भी नहीं की और नौजवान को जख्मी कर मौके से फरार हो गए। घटना है, दोनों दोस्त बैठे ही गड्डी च ते इन्हां दे वेटर दी वेट करदे पे सी ऑर्डर लैण वास्ते ते इही दौरान तीन लटेरे आए आ जी। उन्हां ने फिर इन्हूं पहलां चाबी खोहण दी कोशिश की थी, इन्हें चाबी दित्ती नहीं। फिर उन्हां चों इक बंदे ने उहदे पट ते गोली मारी है ते गड्डी दी लै के इत्थों चाबी ते गड्डी लै के इत्थों मोटरसाइकिल समेत फरार हो गए। वो तीन बंदे जी, वरना कोई है जी। ये मुंडे का नाम गुरप्रीत सिंह है जी। ये जोड़े लागे पिंड है जी, कोटमोहन लाल। ये जी प्रशासन को पूरी सख्ताई वरतनी चाहिए है जी। जिदा के हालात पाते जा रहे हैं रोज़ दी रोज़, तो आप यही प्रशासन को बेनती करते हैं भी जरा इंसाफ दवाया जाए मुंडे लागे। चौंकी भी हैगी चौंकी के एडे बेखौफ हए फिर इन्हों नत्त पानी चाहिए है जी। मुंडे की यार लत्त जख्मी हुई पई है तो वह ट्रीटमेंट चलता पाया हॉस्पिटल, वो पट्ट गोली लगी हुई है। ये गड्डी खो के फिर पठानकोट साइड वालू गए है मोटरसाइकिल समेत। जी वो तीन जने ही गड्डी दो जने से, गड्डी दो बंदे बैठे से जो कौन आए वो तीन जने आए। नहीं नहीं जी कोई लॉकडाउन ही नहीं है इदा का, अपना काम कार करने वाला बंदा वा खेतीबाड़ी वाला किसी ना पिंड च ना बार किसी ना कोई रंजिश नहीं है। सीधा उन्हें गड्डी खोनी पहले शुरू की है, गड्डी चाबी खोह की कोशिश की है तो जो उन्हें अगों विरोध किया तो उन्हें अगों पट्ट गोली मार दी। इस संबंधित जानकारी देते एसएसपी गुरदासपुर रजिंद्र सिंह सोहल ने बताया कि सूचना मिलते ही वह घटनास्थल पर पहुंच गए थे और जांच शुरू कर दी है और जख्मी नौजवान को अस्पताल पहुंचा दिया है और आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। बरियार मंचीज रेस्टोरेंट से एक लड़का गुरप्रीत अपनी वरना कार लेके पार्किंग खड़ा सी, तीन नौजवान मोटरसाइकिल से आए तो उन्होंने दो ने उतर के इत तो कार खोली तो गोली चलाई जी इन छू के लंघ गई तो वह गुरदासपुर की साइड चले गए। हाँ सीसीटीवी फुटेज उन्होंने दिख रहा है पर उन्होंने जोड़ा है अगर भाल की जा रही है तो केस रजिस्टर करके वक् वक् पार्टियां बना के दोषियों की भाल की जा रही है। उन्होंने दसिया छू के लंघ गई सी, लगी नहीं, बचत हो गई। ये अजे जांच कर रहे हैं, अजे कोई इस तरह ही लगता भी कोई ज्यादा इन्हों कार कूर खोन की नीत नाल जां कोई होर क्राइम करना होगा, पर होर कोई ये योजी टैरर वाली अजे गल कोई सामने नहीं आई, अजे कोई सामने नहीं आया, पर हौली हौली यदा भी जी है पड़ताल की जा रही। बस असी केस रजिस्टर करके वक् वक् पार्टियां बना के नाके लवाए नाल दे जिले दस्या गया कि असी वो कार नूं लभण की जल्दी कोशिश कर रहे हैं दोषियों फड़न की।